आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीबों पर महंगाई की मार। आर्थिक तंगी ने तोड़ दी गरीबों की कमर। आखिर कहां जाकर रुकेगी भारत की महंगाई? कैसे भरे सबका पेट? आंसू में सन रहा आटा, दर्द से सिक रही रोटी। हम लोग जो है महंगाई से सबसे ज्यादा वो त्रस्त है, गरीब जनता जो है वो बहुत त्रस्त रहती है। और गरीबों का पेट भरने के लिए कोई 5-स्टार होटल नहीं होता है, गरीब खाना खाने यहीं पर आता है, रिक्शा वाला खाना खाने यहीं आता है। मजदूर जो गांव से आकर के मजदूरी करते हैं, पेट अपना भरने के लिए इसी ऐसी जगहों पर ही आते हैं। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर दादा, किस तरीके से जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम महंगे हो रहे हैं, सारी चीजें महंगाई बढ़ रही, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? अरे साहब, गरीबी तो है ही साहब, गरीबी में एक पैसा बच नहीं रहा। और आटा महंगा हो गया, कोयला महंगा हो गया, हम लोग गैस जला नहीं सकते। गैस क्यों नहीं जला सकते दादा? ये आप देख रहे हैं, अंगीठी भी बना रहे हो इस पे। हाँ, महंगाई की वजह से ना सिलेंडर है मेरे पास। तो क्या कहना चाहते हो सरकार से, क्या मांगे रखते हो जो सरकार को आपने पहुंचाया था केंद्र में वोट दे करके, क्योंकि आपका एक वोट भी बड़ा अहमियत रखता है, तो क्या आपकी जो उम्मीदें थी उस पर सरकार किस तरीके से खरी नहीं उतरी क्या? अरे वो आटा महंगा हो जाए, कोयला महंगा हो जाए, यही हम लोग गरीब आम जनता चाहते हैं। आम जनता को और किसी चीज़ से सरकार नहीं है ना, यही जो छोटी छोटी मूल सुविधाएं जो होती हैं, मूल समस्याएं जो होती हैं, उनसे आम जनता को सरकार होता है। तो उन्हीं मूल समस्याओं को आम जनता चाहती है, वो नहीं चाहती है कि वो 5-स्टार होटल में जा कर के खाना खाए। हमारे साथ में यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं जो यहाँ पर खाना खा रही हैं, उनसे बात करेंगे। महंगाई जिस तरीके से हो रही है, तो क्या कहती हैं आप, जो सरकारें वादा करती हैं और आप उनको वोट दे करके वहाँ पहुँचाते हैं, बोलते हैं कई सारी योजनाएँ हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या दिखता है आपको इस दौर? मतलब इतनी महंगाई है कि इतने इतने बच्चों को पेट भी नहीं भरता। हम लोग अभी कमाते हैं, मजदूरी इतनी मिलती नहीं, हम लोग क्या करें, भूखे प्यासे रहते हैं, जो मिलता हम लोग खाते हैं। सिलेंडर महंगा हो रहा है, योजनाएं कई सारी मोदी जी कहते बनाई है, हमारे पास है, हम जानते हैं सिलेंडर, हम लोग के पास नहीं सिलेंडर, मिले नहीं। पैसा 250-250 रुपया जमा कर दिया, लिखा पढ़ी करके ले गया, सिलेंडर तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। योजनाएं जो बनाई जाती हैं, वो सब्सिडी बोला गया कि सब्सिडी आम जनता के लिए, जो रईस लोग थे उन्होंने छोड़ दी सब्सिडी, आपको सब्सिडी मिलती थी? उनको नहीं मिलती थी, हम लोगों को नहीं मिली। योजनाओं के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में मालूम है आपको? हम लोग को नहीं मालूम। तो ये वो जनता है, ये वो पब्लिक है जो आम जनता से बिल्कुल अलग होती है। एक तबका ये अलग होता है, जो वोट बैंक जो होता है वो यहीं से बनता है, और योजनाएं जो हैं सरकारें वो इन्हीं के लिए बनाती हैं, लेकिन योजना जो है वो बनती नहीं है। हम बाहर चलेंगे, हम बड़े चौराहे पे खड़े हुए हैं इस वक्त, और आप पीछे देख सकते हैं तमाम ठेलियां लगी हुई हैं, यहाँ पर खाने पकते हैं, बनते हैं। यहाँ पर वो तबका आता है जो गरीब होता है, जो मजदूर होता है, जो अपना घर बार छोड़ कर आता है, उनका पेट भरने का काम ये लोग करते हैं। और हम बात करने की कोशिश, आपका क्या नाम है भैया? अशोक साहू। साहू जी, ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़, तो आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ा उससे? सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, जो कमाते हैं हम उसी का भरोसा रखते हैं, हम आगे का भरोसा नहीं रखते हैं। अब आगे जो हमको भगवान देगा वही मिले। मोदी जी तो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कहते हैं कि गरीबों को ना मिला है ना हमको कभी, इस चीज़ से हमें मतलब महत्व है कि मिल जाएगा। वोट देने जाते हैं? वोट तो देना ही है कहीं ना कहीं। किसको दिया था? हमने तो दिया था मोदी जी को, मगर हमको कोई क्या सोच के दिया था? वो सोचे तो बहुत कुछ थे कि हमको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं से कॉलोनी या कुछ मिलेगी, मगर यहाँ हमारे पिताजी लोग इंदिरा कान के पहले से रहते हैं और यही करते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बना पाए। लाभ नहीं मिला जो सोच के वोट दिया था? अब हमको कोई लाभ नहीं मिला। अंगीठी पे आप बना रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, गैस सिलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? भाई गैस सिलेंडर यहाँ तो नहीं इस्तेमाल, शुरू से यही कर रहे हैं, यही चला जलाते हैं। सब्सिडी मिली थी आपको? सब्सिडी गांव में है, फतेहपुर के रहने। सब्सिडी आती थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ आती थी, अब बंद हो गई। अब बंद हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं, वोटर हैं आप? अब सरकार से हम क्या मांगे, हमको यही सोचते हैं कि हमको सस्ता से सस्ता मिले।
गरीब पब्लिक, गरीब जनता की सिर्फ एक ही मांग होती है, जो चीज़ें हैं वो सस्ती से सस्ती मिलें, क्योंकि इनके लिए मूल जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके ज़्यादा और इनको कुछ नहीं चाहिए होता, इनको बिल्डिंगें नहीं बनानी होती हैं, इनको सिर्फ आम जो मूल सुविधाएं हैं, मूल जो चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के साधन हैं, वही चाहिए होते हैं। वही उसी चीज़ में आग लगी हुई है और कमर तोड़ महंगाई इस देश में आ चुकी है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। बात महंगाई की चल रही है, महंगाई हो चुकी है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। लेकिन हमारे देश में तीन तरह के वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्गीय होता है, एक मध्यम वर्गीय होता है और एक होता है फुटपाथ वर्गीय। इसको मैं फुटपाथ वर्गीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और इसी गरीबी में ही पलती है। और गरीबी के लिए जब विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टियां हो, जब वोट मांगने जाती हैं तो बड़े बड़े मंचों से इन्हीं के लिए वोट मांगे जाते हैं, इन्हीं के लिए ही तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन इनका दर्द कोई नहीं, जीतने के बाद में कोई नहीं महसूस करता। हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं आप, ये फुटपाथ वर्गीय वर्ग के वो गरीब हैं जिनके पास में आज बैठने के लिए कस्टमर नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है। इनका दर्द समझने वाला भी कोई नहीं है, ये बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि ये किससे अपनी बात बोलें, क्योंकि ये जिससे भी अपनी बात बोलते हैं वो उनके वादों को वादा खिलाफी कर देता है। बोलने के लिए इनके पास शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि ये बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि बोल बोल के इतना थक चुके हैं कि इन पर इनको किसी से विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर हम खड़े हैं, इतनी सारी रोटियां बना के रखी हैं इन्होंने, बना भी रहे हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं है क्योंकि महंगाई का ये दौर है, महंगाई का ये आलम है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब जो रेट बढ़ाना चाहते हैं तो रेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रेट बढ़ा देंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। कस्टमर इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि फुटपाथ वर्गीय जो वर्ग है, दो वक्त की रोटी जो खाता था उसको पैसा तो कमा रहा है लेकिन कोरोना के बाद में एक दूसरी मार जो ये पड़ी है, ये बहुत ही असहनीय मार्ग पड़ी है, क्योंकि ये दर्द, इनका जो दर्द है वो नेता सिर्फ मंच तक ही रख पाते हैं, बाकी ये दर्द बाद में नहीं दिखा पाते क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टियों में पहुंच जाते हैं, सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और इनके लिए जो योजनाएं बनती हैं वो ना कहीं जो दो वर्ग मैंने आपको बताया, उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय, उन्हीं के पास ही पहुँचते हैं। योजनाएँ इनके लिए बनती हैं लेकिन लाभ कहीं ना कहीं उन्हीं को पास पहुंचता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।